फोटो चेंज कर लेना। तब मैंने देखा कि यहाँ पे एक नका लगा हुआ था काफी स्ट्रेंथ के साथ, तो मैं जब आया तो मैं थोड़ा रुक गया पीछे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो जाना तो है घर। तो उस रीज़न से क्या हुआ, जैसे ही मैं आया तो साहब ने बाइक मेरी साइड पे खड़ी कर दी। जैसे बाइक मेरी साइड पे खड़ी की तो डॉक्यूमेंट निकालो, डॉक्यूमेंट सब कुछ देखे, देन उन्होंने बोला कि हेलमेट क्यों नहीं पहनी है। तो मतलब जो मुझे याद आया कि फैमिली भी ऐसा ही सेम कहती है। तो उसके बाद अचानक मेरे सामने एक सरप्राइज गिफ्ट पुलिस की तरफ से, जो गिफ्ट एंड सेफ्टी दोनों जो मुझे सर मतलब ये अपना दिया, और उस को मैंने वैसे ही हेलमेट डाला, और एक सरप्राइज चालान की वजह मतलब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे जो साहब हैं तो इनका एक बहुत बड़ा इसमें रोल है कि एक लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज जाए कि हेलमेट पहनना कितना ये अपना जरूरी है। पहले हमने काफ़ी बार जो हमारी PCPG मीटिंग्स होती हैं या सरपंचों पंचों से बात होती है, उसमें भी हम ये कहते हैं, हमारी हमेशा ये मैसेज रहती है अवेयरनेस के लिए कि सब लोग अपनी हेलमेट पहने। और खासकर जो अभी हमने स्टडी हुई है और उसमें ये देखा गया है कि हेलमेट जहाँ पे 70% ऑफ दोज केसेस जहाँ पे हेलमेट हुआ है और एक्सीडेंट हुआ है उसके बावजूद सीरियस इंजरीज हो गई हैं, क्योंकि हेलमेट पहनने के बाद भी हम नीचे से उसको बंद नहीं करते। तो ये देखते हुए हमने इस बार हमने ये सोचा कि चालान काटने से पहले एक बार एक मौका दिया जाए हर एक, और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाए कि हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है, और इसमें हमारी तरफ से भी जो असिस्टेंस है वो हम कर पाएँ।